गेहूं कॉमन तौर पे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा चपाती के रूप में खाया जाता है, दूसरा ब्रेड के रूप में खाया जाता है, तीसरा पिज्जा के रूप में खाया जाता है और कुछ हद तक बिस्कुट के रूप में। तो मैं आज आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटियों के इनके डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में उनकी क्या खासियत है और वो किस रूप में ज़्यादा सुटेबल है। जैसे हमारी पिछले साल जो रिलीज हुई थी वैरायटी HD 3226, इसके अंदर ग्लूटेन भी स्ट्रॉन्ग है और चपाती के रूप में ये वैरायटी जितने भी कंज्यूमर ने कंज्यूम की है लास्ट ईयर उनकी बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। खासकर इसके चपाती के तीन ट्रेट हैं, अगर भाई उसके अंदर पफिनेस यानी चपाती कितना फूलती है, उसका कलर कैसा रहता है और जब खाते हैं तो वो कितनी आराम से टूटती है, तो इन सारे चारों गुणों के अंदर ये अच्छी पाई है और ज़्यादातर कंज्यूमर की बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। दूसरी हमारी जो बहुत ही लार्ज एरिया में ग्रोन वैरायटी है HD 2967, उसके बारे में लोगों को पता ही है कि इसकी चपाती ज़्यादातर बहुत वाइट कलर की बनती है और पफिनेस बहुत ही अच्छी आती है। 3086 का मैं कहना चाहूँगा 3086 का ग्लूटन स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए जो खासकर पिज़्ज़ा वगैरह में गेहूँ यूज़ करते हैं, चपाती के लिए तो अच्छी है ही है बट पिज़्ज़ा वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा बेस प्रोवाइड कर सकती है क्योंकि वो पिज़्ज़ा के लिए उनको एक स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्लूटेन की नीड होती है गेहूँ के अंदर। हमारी कुछ वैरायटियाँ जो लास्ट ईयर प्रधानमंत्री जी ने बायोफोर्टिफाइड वैरायटी जो कंट्री को डेडिकेट करी थी उनमें HD 3298 है और HI 1633 है। इन दोनों वैरायटियों के अंदर 3298 के अंदर आपकी आयरन की कंटेंट ज़्यादा है, प्रोटीन की कंटेंट ज़्यादा है। HI 1633 के अंदर जो लेट जोन के लिए वैरायटी है आपने पेनिनसुलर जोन के लिए, इसके अंदर आयरन की मात्रा भी ज़्यादा है और जिंक की मात्रा भी ज़्यादा है। और वैसे भी किसान भाई अगर आप न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं अपनी क्रॉप का तो आप जिंक और नाइट्रोजन का स्प्रे हेडिंग के बाद 1% नाइट्रोजन और 0.5% जिंक वो उसका स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके ग्रेन के अंदर बढ़ सकती है।